लाजर नाम का व्यक्ति मर जाता है। वीर दो भैन का है, मां प्यो भी नहीं है, तिने भैन भरा है, एक इन्होंने सहारा है, वो इन्हों का भरा भी इस संसार तो चलाने कर गया। सो चलाने कर गया आंढी गुआढ़ी लोग हौसला वधाई देने वास्ते आते ने, एक भैन रो रही ने, चार दिन हो गए ने कबर के विच भी दब लेता है, लेकिन इन्होंने सुना भेजे यसू नू कि यसू साडे भरा नू तू जिंदा कर दे। और प्रभु यसू सी किते गए हुए सी उस जगह पे लाजर भरा मर गया, देरी हो गई हाय हे रब। और इन्होंने सुना भी भेजे रो रही ने, लेकिन यसू राजा का राजा उस जगह पे नहीं है। और दो चार दिन के बाद जब यीशु उस जगह पे आता है, साडा भरा लाजर ते मार्था नु पता चलता है उसकी बहन नु कि यीशु आ रहा है, अगल वाले भजदी है पर रोती है, कहती है कि यीशु आए रब सफाई चक लिया होए इस जगह पे होता तो साडा वीर ना मर गया, सानी कल्या नु छड़ गया, हाय साडा भाई चक लिया है, साडा भाई लाजर चक लिया, असी कल्ले छड़ गए, आए साडा भाई लाजर आए सानू कल्ला छड़ गया, साडा भाई लाजर आए आए वो चंगा भाई साडा छड़ गया सानू कल्या नू, हाय साडा भाई साडा इकलौता भाई प्रभु जी ते मेरा भरा लाजर जिंदा होंदा प्रभु जी तू विश्वास कर, जे तू विश्वास करे तो तेरा भाई आज भी जिंदा हो जाएगा। जानती हूँ प्रभु जी इतना समय होएगा जब मेरा प्राण जिंदा होएगा। विश्वास कर मैंने उसकी कब्र पे रह जाए हे लाजर उठ कब्र से बाहर आ जा। पिछे पिछे बड़ी वड्डी भीड़ तुरी जावे लाश चक्की जाते बड़ी आनु तुरे वैन पौधी भैन तो कुछ चले जावे वाचा मारती वीर कितने मोड़े पिछे पिछे बड़ी वड्डी भीड़ तुरी जावे लाश चक्की जाते बड़ी आनु तुरे वैन पौधी भैन तो कुछ चले जावे वाचा मारती वीर कितने मोड़े तो कुछ चले आज दाई वाला जावे ना तो चले आज दाई रख हौसला यसू जी तेनू आखे तू केड़ी गलों पंज देती रख हौसला यसू जी तेनू आखे तू केड़ी गलों पंज देती यसू जी तेनू आख दे तू केड़ी गलों हंजू केरदी रख हौसला यसू जी तेनू आख दे तू केड़ी गलों हंजू केरदी तू केड़ी गलों हंजू केरदी तू केड़ी गलों हंजू केरदी
हालेलुया। सो सारे अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे ते दुआ करांगे। हुण इस तों बाद असीं गीतां भजनां दा आनंद माणिया है, स्किटां देखियां ने, ड्रामे देखे ने, डांसर देखिया है, लेकिन हुण वेला आ गया है कि असीं प्रभु दे संदेश नूं सुणन दे वास्ते जा रहे हां। दोस्तों पहला सारे अपनी अखां नूं बंद करांगे और शांति दे नाल जदों असीं इस जगह ते प्रभु दे संदेश नूं सुणांगे, प्रभु दे वचन नूं सुणांगे, ते तुसीं सारे इस जगह ते शांति दे नाल बैठना है तां कि तुहानूं जो भी रब दे दास दे मूंह दे विचों शब्द निकल उह तुहानूं समझ आ जावे और तुहानूं फायदा हो जावेगा, क्योंकि प्रभु दे वचन दे विच लिखा है रोमियां 10 दी 10 दे विच कि सुनने नाल ईमान वधदा है और सुनना परमेश्वर दे वचन दे विचों। जदों तुसी सुनोगे और तुहाडे मन नूं चंगा लगेगा, तुहानूं अंदरों अंदरों तुहाडी जिंदगी दे विच शांति पैदा हुंदी जाएगी। अगर तुहाडी जिंदगी दे विच कोई दुख है, परेशानी है, ते ओह वी अजीज भैणों ते भराओ वचन सुनदे नाल प्रभु दी हजूरी ते बैठण दे नाल ही ओह वी दूर हो जाएगा। हालेलुया। आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे, दुआ करांगे, सारे दुआ दी हालत हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ तुहाडा, धन्नवाद तुहाडा, धन्नवाद तुहाडा, धन्नवाद। तारीफ हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तुहाडा, धन्नवाद तुहाडा, शुक्र तुहाडे नाम दी जय जयकार, तुहाडी वडियाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी असीं तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदे हां अज दे चंगे समें दे वास्ते जो तुसीं साडियां जिंदगियां विच बख्श दित्ता है, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। प्रभु जी तुसीं गीता भजना विच साडी मदद कीती है, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। प्रभु जी जिन्ने भैण भरा बच्चे बुजुर्ग इस जगह ते इस हाल दे विच ने, चाहे इस हाल तो बाहर ने, मेरी आवाज नु सुन रहे ने, सारे बड़ी बरकत ते आशीष दियो। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते हां। उहनां दीआं जिंदगीआं दे विच जिस तरह असीं इस जगह ते अज वड्डे दिन दा प्रभु जी तुहाडी खुशी मना रहे हां, उहनां दीआं जिंदगीआं दे विच वड्डे दिन अज शुरू हो जाण, उहनां दीआं जिंदगीआं बदल जाण, तां कि तुहाडे नाम नूं महिमा मिल जाए। प्रभु जी अज दे प्रभु जी वचन दे द्वारा अपने दास दे नाल प्रभु जी गल्लबात करना, तुहाडा धन्नवाद करते हां। अज तुहाडा दास नहीं बल्कि पवित्र आत्मा उहनां दे विचों दी प्रवेश हो के अज साडे नाल गल्लबात करे। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते हां। जिन्ने भैण भरा बच्चे बुजुर्ग बैठे ने सभनां नूं बड़ी बरकत दिओ और प्रभु जी इस वचन नूं सुणन दे वास्ते सानूं कन्न दिओ, समझण दे वास्ते मन दिओ। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते हां और प्रभु जी इस वचन दे द्वारा साडी जिंदगी हो जावे। प्रभु जी सुनाउण वाले तुहाडे दास नूं असीं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदे हां। प्रभु जी बाकी दा समां वी असीं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदे हां। जो मंगिया तुसीं दित्ता है इह दुआ साडे सतगुरु यीशु दे नाम विच मांगदे हां। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो जदों असीं प्रभु दे वचन नूं सुणांगे, रब दे दास मंच दे उत्ते आउणगे, इस पुलपट दे सामणे आउणगे, ते मैं चाहुंदा कि तुसीं तालियां मार के रब दे दास दा स्वागत करना है, क्योंकि रब दे दास हले नहीं। हालेलुया हले हले चलो हालेलुया। हालेलुया सब बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आप सब इस जगह पे परमेश्वर की हजूरी विच मौजूद हो। मेरे अजीज भैनों भाइयों आज के दिन नु बहुत लोग देखना चाहते सन पर देख नहीं सके, ये परमेश्वर की अपार कृपा है कि आज आप सारे इस जगह पे जीते हैं। कृपा करके मेरा ये निवेदन है कि जो आप रब की बाणी सुनते हैं ना उदो सानू खामोशी के नाल बैठना चाहिए,
जो आप परमेश्वर की बाणी सुनते हैं तो परमेश्वर खुद साडे नाल गलबात करता है। जो आप परमेश्वर की बाणी सुनते हैं परमेश्वर साडे नाल खुद गलबात करना चाहता है। सो कृपा करके मेरी यह बेनती है कि कोई भी रौला ना पावे, कृपा करके सब बैठ जान, कृपा करके सब बैठ जान। प्रभु तुहानू बहुत आशीष देवे। हालेलुया। जिवें कि असीं परमेश्वर दी बाणी वाल जांदे हां। हालेलुया। मैं कहिंदा हां कि कृपा करके प्लीज मेरी यह बेनती है कि चुप करके बैठ जाओ। प्रभु तुहानू बहुत आशीष देवे। और जिवें आपां प्रभु दी बाणी वाल जांदे हां, कृपा करके आइए एक बार फिर अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना दे हालात विच जावांगे। सब अखां नूं बंद करांगे, सब सब अखां नूं बंद करांगे। परमेश्वर दी बाणी विच लिखिया होया है, जिथे दो या तीन मेरे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे हन, मैं उस जगह ते हाजिर हुंदा। अज परमेश्वर अपने लोकां दे विच मौजूद है। उस दी बाणी विच लिखिया होया है, परमेश्वर दे वचन दे विच ए दर्ज है कि परमेश्वर अपने लोकां दे विच मौजूद हुंदा है। जिथे दो या तीन ओदे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे हन, प्रभु उस जगह ते मौजूद हुंदा है। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां। साडा इह विश्वास है कि अज तुसी साडे विच मौजूद हो। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, असी तुहाडा स्वागत करदे हां। अज दी बाणी जो असी सुणीए प्रभु, ए प्रभु जी तुहाडे तों मसा कीता होया वचन साडे दिलां दी खुराक होवे, ताकि असी तुहाडी बाणी नूं सुण सकीए, तुहाडे नाम नूं महिमा दे सकीए। प्रभु जी अपने आत्मा द्वारा सब नूं चलाओ। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां ये प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना असी प्रभु जी तुहाडे पुत्र पिता जी असी यीशु मसीह दे नाम च मांगदे हां। आमीन। हालेलुया। 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 कृपा करके मेरी बेनती है कि तुसी भी बैठ जाओ। सब लोग बैठ जा, क्योंकि मैं तो हूँ बैठ सकता ही नहीं ना, हूँ मेरा खड़े होने का मौका आ गया। कृपा करके जे तुसी मैनू अनुमति दो तो मैं पानी का घुट पी लवां। हाँ जी, प्रभु तुहानू आशीष। अज आपां इस जगह ते क्यों मौजूद हां? अज आपां सारे इस जगह ते क्यों इकट्ठे होए हां? क्योंकि अज प्रभु यीशु मसीह दा जन्मदिन है। हालेलुया। और मैं चाहना हाँ कृपा करके सब लोग आराम दे नाल बैठन, अते असी देखांगे कि यीशु मसीह दा जन्म क्यों होया, क्यों उन्हां नूं इस दुनिया ते आउणा पै गया। जो साडे विच जिहड़े स्पैशल गैस्ट भी हन, मैं चाहना हाँ कृपा करके बाहरों आके अंदर बैठ जाण, परमेश्वर दी बाणी सुणन, उस तो बाद आपां सारी गलबात करांगे। हाँ जी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र इस दुनिया विच आ गया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया विच आया। क्यों आया? आज असी सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आपा जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों? की कारण है? यीशु मसीह इस दुनिया विच आया। यीशु मसीह इस दुनिया विच आया। असी कुछ हवाले आप बाइबल तो पढ़ांगे कि यीशु मसीह इस दुनिया विच आया, लेकिन यीशु मसीह है कौन? बाणी ये दसदी है कि प्रभु यीशु मसीह जी अज तो 2011 साल पहला इस धरती दे ऊपर आए। लेकिन कौन है यीशु मसीह? कौन है? क्यों उसने इस धरती ते आना पिया? क्यों उसने इस दुनिया ते आना पिया? आइए पहले असी देखते हैं कि यीशु मसीह है कौन। पढ़ांगे असी यशाया की किताब 7 अध्याय। इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा, वेखो एक कुवारी यीशु मसीह दे आउण दी भविष्यवाणी हो रही है।
लिखिया कि परमेश्वर तुहानू एक साइन देगा, एक चिन्ह दर्शाया जाएगा कि एक कुवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा एक पवित्र औरत जिसने पवित्र जीवन व्यतीत किया सी, गर्भ धारण किया परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा, अते एक लिखिया है ओ पुत्र नू जन्म देवेगी। हाँ जी, क्यों जो पता मुक्ति देने वाला अते ओ पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुद परमेश्वर इंसान दे रूप दे विच इस दुनिया ते आए। ओ परमेश्वर साडे विच आए, परमेश्वर दा पुत्र साडे विच आया इस दुनिया ते। क्यों आया, उसनु की जरूरत पै गई इस दुनिया ते आउण दी, रब नु आकाश छड्डण दी जरूरत क्यों पै गई, परमेश्वर इस दुनिया विच क्यों आया, कि स्वर्ग विच परमेश्वर वास्ते जगह कोई नहीं, के जा फिर थले ट्रेना चल दिया ट्रेना देख, जा बसा देख आया, जा अपना साउंड सिस्टम देख आया, जा आपां नूं देख आया कि आप इत्थे आए, जा फिर उन्हूं आ साडियां घट्टे मिट्टी वालियां सड़कां पसंद सी तां आया, क्यों आया, देखते हैं परमेश्वर की बाणी चो। दो हजार ग्यारह साल पहला यीशु मसीह साडे विच आए एक कुवारी औरत दे द्वारा। यीशु मसीह दुनिया विच आए खुद परमेश्वर। आइए आप पहला देखते हैं कि यीशु मसीह के निशान इस दुनिया दे विच, कि वह खुद परमेश्वर सन अते इंसान दे रूप विच आए। असी पढ़ांगे यूहन्ना दी अंजील। इहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी, इहो ही आदि विच परमेश्वर दे संग सी, सब कुछ उस तो रचिया गया ते इहो ही परमेश्वर सी। प्रभु यीशु मसीह दी गल हो रही है कि ओ आदि विच भी सी, लेकिन इंसान दा रूप धार के साडे सदना दे विच आए। सब कुछ उसने रचिया आदि विच, आदि विच शुरुआत विच यीशु सी, धरती दी नींव पत्थर रखण तो पहला यीशु जी। पढ़िए उत्पत्ति एक अध्याय दी एक आयत, ओदे विच लिखिया है आदि विच शब्द सी अते उसी आदि विच ए शब्द ने क्या कुछ बना दिता, उसी आदि विच मसीह ने क्या कुछ बना दिता। देखिए पढ़िए एक अध्याय दी एक आयत, आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती दी उत्पत्ति कीता, रचना कीती आकाश ते धरती परमेश्वर दी रचना है। तुसी ते मैं परमेश्वर दी रचना हां, परमेश्वर दी बाणी च लिखिया होया है आकाश धरती बनाए उसने, पौधे लगाए साग पत लगाया अते इंसान नु बनाया जानवर नु बनाया, लेकिन इंसान दे वास्ते उन्ने जादू मेहनत कीती, इंसान नु उन्ने अपने स्वरूप ते बनाया, अपनी समानता ते बनाया, इंसान परमेश्वर ने अपने वर्गा बनाया। क्यों बनाया, क्यों उसकी बंदगी करे, उसकी आराधना करे, उसका नाम लवे। इंसान नु परमेश्वर ने इसलिए बनाया, अते सब कुछ कुछ रचना परमेश्वर ने कीती। और असी पढ़दे हां यूहन्ना दी अंजील एक अध्याय दी दो अंक दे विच भी लिखिया होया है सब कुछ। इहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी, इहो ही आदि विच परमेश्वर दे संग सी, प्रभु यीशु मसीह। सब कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विच एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। सब कुछ परमेश्वर तो रचिया गया, रचना विच एक भी वस्तु रब तो बिना नहीं रची, नहीं जे रची गई। रब तो बिना कुछ नहीं रचा गया, आकाश उसने बनाया, धरती उसने बनाई, तहानू ते मैनू उसने बनाया, लेकिन आज का इंसान रब नु भूल बैठा है। जिस रब ने इंसान नु बनाया है, रब नु इंसान भूल बैठा है। इंसान कहता है कि रब है ही नहीं,
इंसान की कहता है कि रब है ही नहीं, लेकिन जे रब नहीं है तो आकाश किसा खड़ा है। बाइबल च लिखिया होया है जबूर नंबर 54 की पहली आयत पढ़िए, लिखिया है मूर्ख ने कहा कि रब है ही नहीं। जेड़ा कहता है रब नहीं हैगा, बाइबल कहती है, धर्म ग्रंथ कहता है, पवित्र बाइबल धर्म शास्त्र कहता है मूर्ख है वो इंसान। क्योंकि चाल बिगड़ गई, रहना सहना बिगड़ गया है, उन्होंने रब तो दूर चले गए ने, रब नूं भुल बैठे ने, इस करके कहते ने रब हैगा ही नहीं, रब नूं पसंद नहीं करते, इस करके कहते हैं कि रब हैगा ही नहीं। लेकिन बाइबल च लिखा हुआ है जे रब नहीं हैगा तो आकाश की नींह की थी, आकाश की बदल की दीवार की थी, बदल बर्फ क्यों खड़ी है? जे आ कमरे दिया दीवारा ना हो कभी लेंटर खड़ सकता नहीं, खड़ सकता ना, फिर भी असं कहने कि रब है, रब है कितने ऐसी पूछते हैं कितने है रब, असि कहने साढ़े को आता नहीं, सानू तो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन असि पवित्र नहीं हाँ, असि अपने पाप भरे शरीर के नाल पाप भरिया अखा के नाल रब नू देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह सानू प्यार करता है। एक बार की गल है, बड़े ध्यान नाल सुनो, देखो मैं तो तुम्हें एक गल सुना लगा, जे तुम हासा आऊगा तो हस लियो, नहीं तो घरे जाके हस लियो, नहीं तो फिर अच्छे तरीके नाल सुनो। अब बच्ची पहले हसन लग पी, हाँ जी एक बार दो बच्चों की मैं गल दसदा, जे तुम कहो तो मैं घुट पानी होर पी ला, हाँ जी ठीक है। दो बच्चे सन, दोवें भरा सन, दोवें मम्मी ने कभी शिक्षा ही नहीं दी, कभी समझाया ही नहीं, स्कूल जाते सन गाला कढ़ते सन, चोरी करते सन, बुरे काम करते सन, मां प्यो ने कभी समझाया ही नहीं उन्होंने, लेकिन वह बच्चे ज्यादा बिगड़ते गए। रब बारे उन्होंने कुछ पता नहीं, उन्होंने रब का नाम नहीं आता कि रब, जे आप कह देना रब, उन्होंने पता ही नहीं कि रब हुंदा की है। ते कई लोग इन्ना जानते ने, साडे अमृतसर एक बहुत वड्डी कपड़े की दुकान है, उत्ते लिखा है रब की हट्टी, रब की दुकान, लेकिन इन्हां दोवां बच्चों नूं रब का पता ही नहीं, रब नूं जानते ही नहीं, सानूं रब का इन्हां नूं पता ही नहीं। ते की हुंदा है बई, एक रब का दास एक पिंड प्रचार कर जाता है, उत्थे रहिंदा है, रब की बाणी उन्होंने सुनाउंदा है, ते बड़े टुटे भजे लोग बुरे कामां दे विचों लोग रब की बाणी सुन आउंदे सन, जिदा तुसीं आए हो, और अच्छे घरां दे लोग भी, गरीब घरां दे लोग भी, सारे प्रकार के लोग उत्थे वचन सुन आउंदे हन, पता क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरे रिगड़े बच्चे सुधर रहे थे, ते ये जिहड़ी इन्हां दी मां सी ना, सुन रहे हो ध्यान नाल, इस मां भी एक दिन एक पादरी को आई, प्रभु के दास को आई, कहती पास्टर साहब मेरे पे भी कृपा करो, मेरे पे भी रहम करो। पास्टर साहब कहते भैन जी गल तो दसो की होया कि नहीं, पास्टर जी मेरे पे कृपा करो, मैं बहुत दुखी है। पास्टर साहब कहते भैन जी गल की है, सानू गल तो दसो, पास्टर जी तुम बस आप ही पूछ लो। पास्टर कहते कोई गल नहीं पूछ लेंगे, पर तुम दसो तुम की होया कि, कहिंदी पास्टर जी देखो किन्ने लोग साडे पिंड दे आ रहे ने, किन्नी साडे पिंड दी दुनिया आ रही है, क्योंकि उन्हां दे परिवार च कुछ ना कुछ चंगा हो रहा है, कृपा करो मेरे ते भी, मेरे भी बच्चे चंगे हो जाए। भैन भाई साहब कहते, पादरी साहब कहते कि तो प्रभु ने करना है, तुम दसो, कहते कि मेरे बच्चे चोरी करते, कहिंदी जदों भी कोई पिंड च चोरी होंदी है ना, करके भावे गुआंढी ले आए होने मेरे बच्चों आके फड़ना,
ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਇਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ ਨਰਕ ਦੀ ਜੂਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਚਾ ਪੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖੂਗਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਬਲ ਆਪੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਏ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਚਾ ਪੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪੰਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਰੱਬ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਾ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ आकाश किवे खड़िया है बारिश कितों आउंदी है पंछी कितों खांदे ने धरती उपज कितों देंदी है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया बाइबल च लिखिया है एक भी गल अधूरी नहीं रही परमेश्वर ने बनाया एक देश सी सोना ते मोती निकलते होंगे परमेश्वर ने रचिया धरती की उपज पढ़िए नंबर 24 की एक है जल्दी कटे करो लिखिया है कि धरती की सारी उपज परमेश्वर की है क्योंकि उसने बनाई है ते असी कहने आ कि रब हैगा ही नहीं कृपा करके बैठो थोड़ा सा सुनो धरती अते उसकी भरपूरी यहोवा दी है धरती अते ओदी भरपूरी ओदी उपज उस यहोवा दी है उस परमेश्वर दी है ते असी कहने रब हैगा ही नहीं जगत अते उसके निवासी जगत भी उसे दा है जगत विच तुसी तां मैं होंदे हो दुनिया दे सारे देश उसने रचे हन गोरा पीला चिट्टा हरा नीला सब ओने ही रचे हन दुनिया दे सारे निवासी उसने ने रचे हन ते असी कहने आ रब हैगा ही नहीं फिर असी कहने आ कि जे रब हैगा है ते ओ देखदा किदां दा है ओ तुहाडे वर्गा देखदा है मेरे वर्गा देखदा है बाइबल च लिखिया है कि असी रब दी मास्टर कॉपी आ मास्टर कॉपी दा पता जिदा भाई साहब हुण अपनी मूवी बना रहे ने ना जिहड़ा पहला पीस ए तैयार करनगे ओ मास्टर कॉपी है उस तों बाद जिन्नियां मर्जी कॉपियां असी करदे रहिए पहली कॉपी वर्गी कदी कॉपी नहीं बनदी ते अज असी पता की सोचदे आ असी रब दी मास्टर कॉपी है पहला छप्पा साडा है अपने स्वरूप से बनाया ते आज असी पता की कहने मैं ते ना इदां दा होना चाहिदा मेरा रंग ते हरिया होना चाहिदा जा पीला होना चाहिदा मेरे वाल लंबे होने चाहिए मैं एक एक एक्टर वर्गा लगना चाहिदा सी क्यों मैं तुहानू एक गल दसदा हां तुहाडे वर्गा इस दुनिया च होर कोई नहीं क्योंकि तुसी परमेश्वर दा मास्टरपीस बनाए गए हो परमेश्वर ने तुहानू अपने स्वरूप ते बनाया है दूजे इंसान दे स्वरूप ते नहीं लेकिन ए इंसान परमेश्वर नु भूल गया ते परमेश्वर तो दूर चला गया पाप विच वज गया अते लिखिया है आदम हवा जिन्ना पहले मनुख जेड़े बने सन दो उन्होंने पाप कीता अनाज्ञाकारी कीती परमेश्वर जी ओदे करके पाप आया ते पाप वधदा गया परमेश्वर दुखी हो परमेश्वर के वचन से लिखिया है कि परमेश्वर ने यह कहा कि मैं इंसान को बना के पछता रहा क्यों पछता रहा सीओ क्योंकि पाप बढ़ता गया बुरे काम बढ़ते गए भैड़े काम बढ़ते गए बुरे ख्याल बढ़ते गए पाप से पाप बढ़ता गया परमेश्वर नाराज होया इस संसार नाल लिखिया है ये संसार जिदा मुंह परमेश्वर ने बनाया जबान परमेश्वर ने बनाई जिदे विचों ये निकलना चाहिदा है प्रभु तेरा धन्नवाद अते उसे जबान नू इंसान गलत इस्तेमाल करता है ते मावां धीआं दीआं गल्लां करता है जे असी बाजार च जांदे आ ते तां वी गल्लां करदे आ बैठदे आ तां वी गल्लां करदे आ असी कहिंदे आ मेरी बहुत टौर पांदी पई आ मैं गाल कर दी इहनू भैन दी मैं होर कोई गाल कर दी है मेरी बहुत टौर पांदी पई आ तुसी अपने आप की जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी जबान नू गाल कर जबान नू गंदी करदे हो अपने शरीर नू पाप दे विच लेके जांदे हो जिस तों परमेश्वर नाराज हुंदा है चौदह पढ़िए
यूहन्ना 1:14 है अते ऐसे पाप दे करके परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजना पिया ताकि इंसान बचाया जावे ते स्वर्ग विच चला जावे नरक तो बचाया जावे ता स्वर्ग विच चला जावे परमेश्वर ने तरस आया साडे ते क्यों तरस आया क्योंकि वो साडे नाल प्यार करता है पढ़िए परमेश्वर नू इंसान बनना पिया अते धरती ते आना पिया कि सानू पाप तो सुधार दे साडे लई मुक्ति आवे साडे लई लहू बहाया जावे अते पाप तो छुटकारा हो जावे हां जी शब्द देहधारी होया शब्द देहधारी होया अते कृपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता अते कृपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता परमेश्वर इस धरती ते आए सच्चाई नू पेश करन दे लई लोकां नू सच बोलना सिखाउण दे लई ते दया की दयालु बंदा है परमेश्वर सानू दयाल की सिखाउण दे लई परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया च भेज दिता कि असी सच बोलिए सच दा पैगंबर सच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया विच आए कि इंसान जाति बच जाए मैं तुहानू दस रहा सी कि यीशु मसीह इस दुनिया च क्यों आए क्योंकि इंसान पाप विच वधदा गया ते परमेश्वर नूं तरस आया अते परमेश्वर ने सानू पाप तो छुड़ाउणा चाहिया कि असी परमेश्वर दे विच वधीए असी पाप तो आजाद हो जाइए असी स्वर्ग विच जाइए अते इसे लई उन्हें सब कुछ रचिया ते अज असी ओहदे दित्ते हुए जीवन नूं जी रहे हां सानू बनाया उन्हें अपने स्वरूप ने ते जदों असीं पाप विच वधदे गए ते फिर उन्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने भेजा खुद परमेश्वर इंसान दा जामा पहन के इस धरती ते आए कि असीं बचाए जाइए लेकिन आए क्यों और कौन सा ये गल कर रहे हैं यशायाह 9:6-7 पढ़ांगे जल्दी जल्दी यशायाह दी किताब 9:6-7 मैं तुहानू एक पुत्र बख्शिया गया राज उहदे मोढे उत्ते होवेगा शक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह दा ए नाम सदिया गया क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर सी इंसान दे कोले आया मुक्ति देण दे लई उस दे ऊपर अपनी सामर्थ नु दर्शाउण दे लई शक्तिमान जिस दी शक्ति नाल जिस दे वचन च ने इनी सामर्थ है लिखिया है जदों परमेश्वर बोलदा है ता पहाड़ हिल जांदे ने जदों परमेश्वर बोलदा है ता बिजली कड़कदी है सर्व शक्तिमान हां जी अनादि पिता जिस दा कदी अंत नहीं होण वाला शांति दा राज कुमार साडे विच आया बाइबल च लिखिया है प्रभु यीशु मसीह शांति दा राज कुमार है जो सानू शांति देंदा है ओहदे राज दी तरक्की अते सलामती दी कोई हद ना होवेगी ओ कदी प्रभु यीशु मसीह दा अंत नहीं होवेगा ओ लिखिया है अल्फा अते ओमेगा हुण भी है रहेगा अते आउण वाला है लेकिन मैं तुहानू ओ चार गल्लां दसना चाहुंदा हां जिदे करके मैं तुहानू इस जगह ते क्या है कि ध्यान नाल सुनो लिखिया है कि ये प्रभु यीशु मसीह साडे विच आए अते क्यों आए चार गल्लां
पहली गल कि वो सच का प्रचार करने आए आइए देखते हैं यूना दिन जीव भाई दे वो दिन आठ आठ बार दो जल्दी जल्दी बत्ती दे यूना दिन जीव वो दिन बत्ती दी आठ यीशु मसीह सामू बुरे कम्मा तो आजाद करने आए पहली गल कि सच के मुताबिक रहना सिखाया हाँ जी और सच्चाई नु जानोगे यीशु मसीह सानू सच्चाई सिखाउन आया अते लिखिया जे तुसी सच्चाई नु जानोगे अते सच्चाई तानु आजाद करेगी सच्चाई तानु आजाद कर देगी सच नु जानोगे ता सच्चाई तानु आजाद कर देगी अते यीशु मसीह ने ए भी किया कि सच्चाई मैं हां झूठ बोल के असी 100 झूठ होर बोलते हैं 200 झूठ बोलते हैं फिर झूठ बोलते हैं आजाद नहीं होते गुलामी च फस जाते हैं 10 साल बाद सानू को पूछ लगे आखा मैं इदा होया सी असी कहने नहीं 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 इदा नहीं होया सी फिर झूठ झूठ ते झूठ झूठ ते झूठ झूठ सानू आजाद नहीं करता गुलाम करता है झूठ एक पाप है जिस तो परमेश्वर नफरत करता है असि कहने कि झूठ बोल के साडे काम बन जाते ने जे मान लो कि झूठ बोल के ताडे काम बन जाते ने तो सच बोल के क्यों नहीं बनेंगे सच्चाई नु जानोगे तो सच्चाई तानु आजाद कर देगी सच्चाई एक एहो जी चीज है जिदा एक बंदे का लक हुंदा है ना लक दे रीढ़ की हड्डी हुंदी है जो लक दे रीढ़ की हड्डी टुट जाए तो बंदा सीधा चल नहीं सकता इदा चलेगा जहां फिर उसनु मंजे ते पै के आराम करना पड़ेगा जे रीढ़ की हड्डी सही होवे तो बंदा वधिया जिते मर्जी तुर के जा सकदा है वधिया भावे कुत्ते छाला मारे भावे कोठे तो छाला मार दे चलो कोठे तो ना मारो ऐसे प्रकार सच है सच्चाई साडे रीढ़ की हड्डी है ओ टूट गई ता बंदा हमेशा कुपाई रहंदा है पानी भी नहीं पड़या जाना सच्चाई साडे रीढ़ की हड्डी तो वध के काम करदी है लेकिन असि सच्चाई नु पसंद ही नहीं करदे बच्चे पापा नाल झूठ बोलदे ने पापा पापा कहता कि बच्चे तो आज कितने गया सी पापा ये देख दे सी मैं कितने जाना बच्चा कहता ये पापा तुझे कितने गया थे ओए ओए मैं तो पूछ के भी लड़ा दूँ मैं तेरा प्यो हुआ जितने मर्जी जाना पापा साथ से बोल लो तुझे कितने गया पति पति पत्नी पति ये कि मुझे ना झूठ माँ बाप झूठ पैरा पा झूठ 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 असि सोचते हैं कि मैं अपने शब्दों जित जावगा साडे मूह दे शब्द सानू शर्मिंदा कर देंगे रीढ़ की हड्डी का टुट जाना मान लो सच्चाई का निकल जाना झूठ किसनू लाड़ा लाउण दी जरूरत नहीं पवेगी बाइबल च लिखिया है तुहाडी हां दी हां ते ना दी ना होवे लिखिया सच्चाई नू जाणो सच्चाई तानू आजाद कर देगी वो सच्चाई प्रभु यीशु है हां जी दूसरी गल प्रभु यीशु मसीह सानू क्यों आजाद कर आए मैं पढ़ने की लोड़ नहीं है मैं तानू वैसे ही दस दूंगा लिखिया यीशु मसीह साडा रिश्ता रब दे नाल जोड़न आए वो रिश्ता जो पाप दे करके टूट गया उस मिलाप नू जोड़न आए जो पाप दे करके टूट गया वो रिश्ता जोड़न आए प्रभु यीशु मसीह उसने अपने लहू की कीमत चुकाई साडे वास्ते जान दे दित्ती कि साडा रिश्ता परमेश्वर दे नाल जुड़ जावे तीजी गल जिहदे बारे आपां नूं पढ़ना पवेगा मत्ती 5 अध्याय 43 आयत तों 47 आयत तक जल्दी जल्दी पढ़ दो जल्दी जल्दी बस एक गल हो रही है उस तों बाद तुहानूं एक होर ड्रामा दिखावांगा मत्ती दी इंजील 5 अध्याय 43 तों 47 तक
कृपा करके सब चुप रहो। प्रभु यीशु मसीह सानू सच बोलना दिखाना है, सानू साडा रिश्ता रब नाल जोड़ना है, ते सानू ए भी सिखाना है कि प्यार की है। हां जी, 5 दी 43 आयत तुसा सुनया है जो एक क्या गया है कि तू अपने गवांडी नाल प्यार कर अते अपने वैरी नाल वैर ना रख। पर मैं तुम्हें आखना हाँ अपने वैरियों नाल प्यार करो। परमेश्वर की बाणी च लिखा है मैं तुम्हें कहता हाँ कि अपने दुश्मनों नाल वैर करो। वैरी अपने दुश्मनों नाल लड़ाई करो नहीं, परमेश्वर सच्चाई जाहिर होती है क्योंकि परमेश्वर सब को प्यार करता है। ओदे वास्ते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ओदे बच्चे ने, वो कहता है अपने दुश्मन नाल भी प्यार करो। लेकिन अति दे जदों दुश्मन नु देखते हैं साडा दिल करता है कि इन्हू इत्थे मार ही दईए, बस इन्हें इन्हें मेरी घड़ी चोरी कीती, इन्हू मार ही दईए, इन्हें मेरे नाल ओ कीता सी, इन्हू इत्थे रहने नहीं चाहिए। दुश्मन नाल भी प्यार करो परमेश्वर सिखाउंदा है। जेड़े नफरत करते ने उन्हां नाल भी प्यार करो प्रभु यीशु सिखाउंदा है। ऐसे करके एहो सिखाओ वो दुनिया चाहे तुहानूं कोई कहिंदा है इधर थप्पड़ मार दिंदा है उन्हूं को कोई नहीं भई रब तैनूं आशीष देवे, तुहानूं को गाल कर दिंदा है उन्हूं को रब तैनूं आशीष देवे। बाइबल च लिखिआ है प्यार करो दुश्मन नाल, दुश्मन नाल प्यार करना असीं कहिंदे औखा है पर बाइबल च लिखिआ है परमेश्वर दी बाणी सिखाउंदी है कि दुश्मन नाल भी प्यार करो। जो तुहानूं नफरत करदे ने उहनां नूं भी प्यार च प्रति उत्तर दो। प्रभु यीशु मसीह सिखाउंदे ने। हां जी अगे पढ़िए, पर मैं तुहानूं आखदा हां अपने वैरियों नाल प्यार करो, अपने वैरियों नाल प्यार करो अते जो तुहानूं सताउण उहनां लई प्रार्थना करो, बस जो तुहानूं तंग करदे ने उहनां लई प्रार्थना करो। परमेश्वर सानूं प्यार करना सिखाउण आए कि असीं अपने दुश्मनां नाल प्यार करना है, कोई पुट्ठा प्यार नहीं सिखाउण आया, कोई बुरा प्यार करना सिखाउण नहीं आया। ईश्वरीय प्यार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੜੀਏ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਯੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਭਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ मारिया उस जो कैन छा कूतों में एक गल कही ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਤ ਰੋਕਣਗੇ ਸਵਰਗ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ इंसान अपने पाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨੋਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਅਨੋਖਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਲੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਈਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਈਏ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ praise god thank you ji ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-60 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਸੋ
मैं एक भजन गावांगा और उस दे विच साडे को ए भाई साहब आउणगे तुसी जो भी शर्ता दे नाल दान पाउणा चाहुंदे जे तुसी इस भजन दे गाउंदे गाउंदे ए तुहाडे कोल पहुंचणगे ते तुसी सारे ने भजन गाउणा है क्योंकि प्रभु दी हजूरी दे विच जदों असीं दान पावांगे ते ओह दान दा सारा इंतजाम हो रहा है लंगर पानी सब कुछ बन रहा है ते तुसी खुशी दे नाल हाथ वधाउणा है ताकि प्रभु तुहानूं बरकत देवे ए नबिया दा कहना यीशु नाम हमेशा लेना ए नबिया दा कहना यीशु नाम हमेशा लेना सुनो सुनावा सज्जनो गावा यीशु जी दे गीत तो बाकारे बंदे झूठी छाते दे प्रीत तो बाकारे बंदे झूठी छाते दे प्रीत अपने जीवन दी ते तौबा रब तो गुस्से दी तौबा अब तो गुस्से दी आखर दिकर यीशु मसीह नाल रल मिल करो संगीत तो बातारे बंदे झूठी छाटे दे प्रीत तो बातारे बंदे झूठी छाटे दे प्रीत ठगी बेईमानी ते तौबा धोखे बाजां दी तौबा धोखे बाजां दी पुत परस्ती मैं परस्ती तौबा आवर बाजां दी तौबा आवर बाजां दी तौबा आवर बाजां दी चोरी ठगी बेईमानी ते तौबा धोखे बाजां दी तौबा धोखे बाजां दी पुत परस्ती मैं परस्ती तौबा आवर बाजां दी तौबा आवर बाजां दी सच्चे दिल जिसके दिल विच पाप समझो ओदी माड़ी नीत तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत सिगरेट बीड़ी तौबा पान तमाकू दी है तौबा पान तमाकू दी मुंडे पीड़ शराबा वेखो बंदी हालत बापू दी बंदी हालत बापू दी कई पीते ने सिगरेट बीड़ी तौबा पान तमाकू दी तौबा पान तमाकू दी मुंडे पीड़ शराबा वेखो बंदी हालत बापू दी हालत बापू दी ऐथे कहिंदा रब दे बाजो कोई नहीं सज्जन पीत तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत खेल तमाशा दुनिया रंग बरंगी खेल तमाशा दुनिया रंग बरंगी अपना फैशन पूरा कर दे घर विच कट्टण तंगी अपना फैशन पूरा कर दे घर विच कट्टण तंगी मियां बीबी सलमान विखण भुलदे नहीं तरीक तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत तो बाकार बंदे झूठी छाटे दे प्रीत
परस्ती दुनियादारी ये भी कदों जरूरी ये भी कदों जरूरी बाइबल दे विच लिखिया ए सब पापा दी मजदूरी बाइबल दे विच लिखिया ए सब पापा दी मजदूरी पूरे आविशे बकारा ते भी पक्की मेरो लीक तो बकारे बंदे झूठी शादे दे परी तो बकारे बंदे झूठी शादे दे परी करते ने आकड़ो नी रब नू शीश नवाउंदे रब नू शीश नवाउंदे नशिया दी बदमस्ती दे विच कीमती वक्त गवाउंदे नशिया दी बदमस्ती दे विच कीमती वक्त गवाउंदे अंत वी जिया यीशु मसीह दी रखनी पउ अड़ी तो वातारे बंदे झूठी छड़ वे परी तो वातारे बंदे झूठी छड़ वे परी तो वातारे बंदे सिर्फ हुण इस तों बाद लास्ट गिद्धा होवेगा तो कुछ इस जगह ते इनाम भी एक दो होणगे और ये लास्ट गिद्धा जिहड़ा है वो तुहाडे सामने पेश कीता जा रहा है और इनामा तो बाद तुहाडे सारे दे वास्ते खाना है तुसी आराम दे नाल बैठो बहुत जल्दी ही असीं इस प्रोग्राम नूं क्लोज करन जा रहे हां
हालेलुया सब इतने रहो बस गिफ्ट देने आप बच्चों छोटे जे गिफ्ट देने उस तो बाद आप एक गीत बोलना है जिद जेदा ही नचन का दिल करेगा तुम नच सकते हो आइए छोटे जे बाद अस फ्री हाँ देने जो रल मिल अपा सारे जो रल मिल अपा सारे यीशु मसीह दे लाइए नारे यीशु मसीह दे लाइए नारे पग भरिया दिल है आया आजो नचिए गाइए अज दिन 25 दिसंबर दा रंग नच खुशी मनाइए अज दिन 25 दिसंबर दा आजो नच नच खुशी मनाइए जद यीशु ने जन्म लिया तो परियां वेखण आईया जद यीशु ने जन्म लिया तो परियां वेखण आईया पिता यूसुफ ते मां मरियम नु लोकी देन बधाईया पिता यूसुफ ते मां मरियम नु लोकी देन बधाईया सुबह सवेरे उठदे पैंदे बस नाम यीशु दा लईए अज दिन 25 दिसंबर दा आजो नच नच खुशी मनाईए दे सकते जे जो लोग भी गिफ्ट देना चाहते ने मौका बहुत आशी दे इस तो बाद आप जावांगे एक गीत बोलांगे जिदे विच आपां सब ने खुशी मनाउणी है गाउणा है नचना है Thank you.
सब नचांगे गावांगे चूमांगे सब खड़े हो जावांगे सब सब खड़े हो जावांगे टोलकी मास्टर सब खड़े हो जावांगे। आइए इस तो पहला छोटी जी प्रार्थना कर लीजिए स्वर्गीय पिता यीशु सब ते कृपा करो सब ते रहम करो और प्रभु तुहाडे नाम नूं महिमा मिले और असी सब तुहाडी खुशी विच इकट्ठे हां तुहाडे नाम नूं महिमा मिले प्रभु जी सारी बंदगी दे विच साडी मदद कीती तुहाडा धन्नवाद सब नूं बड़ी बड़ी धन्नवाद करोण वालिआं नूं परमेश्वर हमेशा तुहाडे नाल होवे।
और इदा ही खुशियां तुहाडे घरां विच और तुहाडे कंबां वालां विच तुहाडे बच्चियां विच तुहाडे जीवनां विच हमेशा बनिया रहण। इस तों बाद आपां खाणा खाण जाणा है, कृपा करके हुण बोलणा दो मिनट रुको। सो मैं उस परमेश्वर का पवित्र दा बहुत धन्यवाद करता हाँ, उस यीशु मसीह का, और बेनती है कि हर ऐतवार 10 बजे तो लैके 1 बजे तक इतने ऐतवार को संगत होंगी है, तुम सब आ करो ताकि प्रभु के नाम में महिमा मिले। और धन्यवाद है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जिन्हें सानू जिंदगी दी है, और मैं थोड़ा सारे का भी धन्यवाद करता हाँ कि तुम सारे अपना समा कट के इतने आए हो। और धन्यवाद भाई सागर जी का जिन्होंने मौका कटिया है तो साढ़े बच्चे मौजूद ने और मूवी भी वो बुला रहे हैं, असं इन्हों का बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई राजे जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जेडे सौ लैके अगर साढ़े बच्चे मौजूद हुए, अभी धन्यवाद करते हैं साढ़े वेद हलवाई का भी जिन्होंने ये सेवा की Yeah.
यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ, डोले मेरी कश्ती, डोले मेरी कश्ती किनारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ। वसा मैं दुआए हो मंगिए, तेरे कर वसा मैं दुआए हो मंगिए, जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है, जिंदगी तो वध के दया तेरी चंगी है, जान तो भी वध के, जान तो भी वध के प्यारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ। मैनू महका दियो, वचना दी महक नाल मैनू महका दियो, दिल दी खेती च चंगे फलानू उगा दियो, दिल दी खेती च चंगे फलानू उगा दियो, मिठी खुशबूदा, मिठी खुशबूदा नजारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ, आवो यीशु मेरा सहारा बन जाओ।